नमस्कार बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चॉइस क्वेश्चंस और जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये चैप्टर मोशन के होंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग आज ट्वेंटी क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके कौन सी बात जो है वो सही है ये आपको बताना है तो फर्स्ट दिया गया है डिस्टेंस इज स्केलर डिस्प्लेसमेंट इज वैक्टर सेकेंड दिया गया बोथ आर स्केलर थर्ड दिया गया बोथ आर वैक्टर डिस्टेंस इज वैक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा डिस्टेंस बेटा जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव द सेम यूनिट्स अब आपको बताना है कि क्या डिस्टेंस और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट uh, की यूनिट जो होती है वो सेम होती है कि नहीं होती है ठीक है तो डिस्टेंस की यूनिट भी अगर आप देखेंगे तो मीटर होती है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट देखेंगे तो वो भी क्या होती है मीटर होती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा दैट इज़ ट्रू क्योंकि इनकी यूनिट क्या होती है सेम होती है क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में कहा गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो और निगेटिव डिस्टेंस कभी भी क्या ज़ीरो नहीं हो सकता या निगेटिव नहीं हो सकता ऐसा बोला गया है देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट तो अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कोई भी बॉडी अगर चल रही है तो ज़रूरी है कि वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ठीक है तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल सही है तो डिस्टेंस कभी भी ना ही जीरो हो, हो सकता है और ना ही निगेटिव हो सकता है डिस्टेंस जीरो सिर्फ एक केस में हो सकता है और वो केस क्या है वो केस ये हो सकता है कि बॉडी रेस्ट पे हो लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है यहाँ पर का कहा गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब एक बॉडी जो है वो चल रही है वेन बॉडी इज मूविंग इट मीन्स देर इज डिस्टेंस, ठीक है तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो नॉर इट कैन बी नेगेटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो एज वेल एज इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर इसमें देखते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर फोर में है वेन फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कॉन्साइड्स विद इनिशियल पोजिशन जब फाइनल पोजिशन और इनिशियल पोजिशन एक हो जाएंगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होंगी दोनों की आपको ये बताना है ठीक है तो देखिए अगर इनिशियल जैसे मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ ले लेते हैं तो सर्कुलर पाथ में क्या होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो होती है वो सेम रहती है ठीक है मतलब अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है क्वेश्चन फाइव में कहा गया वेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी इज़ जीरो इट्स डिस्प्लेसमेंट अब देखिए आपको बताना है अगर डिस्टेंस किसी बॉडी का जीरो है ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो डिस्टेंस बॉडी का जीरो कब होगा बॉडी का डिस्टेंस ज़ीरो तब होगा जब बॉडी किस पे होगी रेस्ट पे होगी और अगर बॉडी रेस्ट पे है इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा बेटा उसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगा ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मस्ट बी ज़ीरो दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए क्या कहा गया है आउट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ठीक है तो यहाँ पर डिस्टे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पूछा गया है विच वन टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ मोशन तो नेचर ऑफ मोशन कौन बताता है मोशन का नेचर कौन बताता है कि मोशन कैसा होगा क्या डिस्टेंस बताता है कि डिस्प्लेसमेंट बताता है कि दोनों बताते हैं कि दोनों ही नहीं बताते ठीक है थीके? तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा नेचर देखिए क्या होता है नेचर का मतलब होता है या तो यूनिफॉर्म मोशन हो ठीक है और दूसरा क्या होता है या तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी भी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं बता सकते ठीक है तो इसका हो जाएगा नाइदर डिस्टेंस नॉर डिस्प्लेसमेंट बताता कौन है ये बताता है विलासिटी ठीक है विलासिटी बताती है कैसे बताती है विलासिटी अगर यूनिफॉर्म है विलासिटी अगर कॉन्स्टेंट है ठीक है किसी बॉडी की अगर विलासटी क्या है कॉन्सटेंट है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे और अगर विलासिटी कॉन्स्टेंट नहीं है विलासिटी अगर चेंज हो रही है तो उसको क्या कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन

अब देखिए स्पीड क्या होगी मतलब अगर एवरेज स्पीड आप निकाल रहे हैं तो कब निकालने की जरूरत है एवरेज स्पीड यूनिफॉर्म मोशन के केस में आप एवरेज स्पीड निकालेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में निकालेंगे कि दोनों के केस में निकालेंगे तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है अगर एवरेज स्पीड की बात करी जाए तो ये हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में निकाली जाती है क्यों क्योंकि अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी यूनिफॉर्म का मतलब क्या है स्पीड सेम रह रही है तो वही स्पीड क्या हो जाएगी उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी तो यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड निकालने का कोई भी खास मतलब नहीं है ठीक है तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म ठीक है नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कुछ समय के लिए स्पीड हो सकता है कुछ और हो और कुछ समय के बाद हो सकता है उस जो व्हीकल है या जो भी पर्सन है उसकी स्पीड बदल जाए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं ऑफ अ बॉडी इज द स्पीड ऑफ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन तो विलॉस ऑफ बॉडी की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है क्या ये डेफिनेशन सही है तो देखिए डेफिनेशन क्या दी गई है बॉडी इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर किसी बॉडी की स्पीड है तो क्या उसको विलॉस्टी कहा जाएगा तो बिल्कुल सही है तो विलोस्टी की यह बिल्कुल एक्जैक्ट डेफिनेशन है विलोस्टी क्या होता है विलॉस्टी इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन लेकिन अगर आपसे वेलोसिटी की कोई और डेफिनेशन पूछी जाए तो एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं अगर मान लीजिए आपसे फॉर्मुला पूछा जाए का तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा स्पीड के फॉर्मुला बदल जाता के है स्पीड का फॉर्मुला हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं रिटार्डेशन ऑफ अ बॉडी इज बेटा रिटार्डेशन क्या होता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं रिटार्डेशन में और एक्सेलरेशन में तो रिटार्डेशन क्या होता है तो ए ऑप्शन दिया गया है स्पीड ऑफ द बॉडी इज रिटार्डेशन तो ये गलत है सेकेंड दिया गया है निगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी थर्ड दिया गया है ऑफ द बॉडी और फोर्थ दिया गया है नन ऑफ द तो इसमें ए ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत है इसमें जो ऑप्शन सही है वो क्या है बी ऑप्शन मतलब रिटार्डेशन क्या होता है निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन ठीक है तो अगर कोई भी एक्सेलरेशन निगेटिव में हो रहा है निगेटिव में एक्सेलरेशन कब होगा ये भी याद रखिएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी जहां पर v क्या होता है v होती है फाइनल विलोसिटी u क्या होता है u होती है इनिशियल विलॉसिटी और t क्या होता है टाइम इंटरवल होता है या टाइम टेकन होता है ठीक है अब देखिए अगर आपसे कहा जाए कि इनिशियल विलोसिटी ज्यादा थी ठीक है, इनिशियल मतलब यू की वैल्यू क्या थी ज्यादा थी और वी की वैल्यू क्या थी कम थी इसका मतलब स्पीड कम हो रही है जब भी स्पीड कम होती है तो याद रखिएगा, में नहीं होता, क्या होता है? Retardation होता क्या है, है। तो जो acceleration जब आप find out करेंगे इस फॉर्मूले से तो आपका आंसर किसमें निकल के आएगा नेगेटिव में निकल के आएगा तो इसीलिए कहा जाता है रिटार्डेशन क्या होता है तो नेगेटिव ऑफ एक्सेन तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगर आपसे रिटार्डेशन की एस आई यूनिट पूछी जाए तो ऐसा SI यूनिट बहुत सिंपल है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज दाई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखते हैं क्वेश्चन ट्वेल्व में कहा गया है स्पीड ऑफ थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आर इज इक्न टू अब आपको क्या करना है सिंपल सा काम है थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आर को आप देख सकते हैं यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड में दी गई है मीनस यू हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आर इन मीटर पर सेकेंड कैसे कन्वर्ट करते हैं बहुत सिंपल सा है थर्टी सिक्स को आप क्या कर दीजिए फाइव अपॉन एटीन से मल्टीप्लाई कर दीजिए जब भी आपको किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना है सिंपली फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लीकेशन कर देना है जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एटीन टूजा थर्टी सिक्स कट जाएगा फाइव टूजा क्या हो जाएगा टेन तो आंसर इज वॉट टेन मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे कई बच्चे हैं भी जैसे आकाशदीप कंबोज हैं उनका भी आंसर सही आ रहा है हर एक क्वेश्चन का बहुत अच्छी बात है ठीक है तो इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा

अब टाइम कितना दिया गया है टेन सेकेंड दिया गया है। तो आपको एक बात याद रखनी है एक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है ये होती है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इज इनिशियल वेलोसिटी ए इज एक्सेलरेशन एंड इज टाइम अब देखिए आफ्टर आफ्टर इट्स वेलोसिटी वुड बी अब यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन तो नहीं दिया है तब आप कैसे करेंगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को जैसे इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन क्या है यहां पर अगर देखा जाए इसकी विलॉसिटी देखिए यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म है इसका मतलब समझना है आपको देखिए यहां पर अगर आप इस फॉर्मुलिक लगा देंगे तो गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए कहा गया बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म विलॉसिटी बॉडी अगर यूनिफॉर्म विलॉसिटी से मूव कर रही है इसका मतलब उसकी विलॉसिटी क्या रह रही है कांस्टेंट रह रही है ये इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे कि इसमें कैसे करें कैसे करें और बच्चा इसको जान नहीं पाएगा तो सिर्फ एक ट्रिकी क्वेश्चन है और कुछ नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड ही रहेगा मतलब इसकी जो मीटर पर सेकेंड है इसमें वेरी गुड ठीक है, है।, है।, है तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फोर्टीन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में क्या कहा गया है द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस अब आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है अब देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट रख दीजिए न्यूमरेटर में और डिस्टेंस को आप रख देंगे डिनोमिनेटर में तो रेशियो क्या हो जाएगा तो आपको पता है कौन छोटा होता है तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होती है तो बराबर होती है तो अगर बराबर होगी तब तो वैल्यू रेशियो दोनों का वन आ जाएगा ठीक है और अगर डिस्प्लेसमेंट कम है तो ये वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव आ सकती है जीरो पॉइंट सिक्स आ सकती है जीरो पॉइंट फोर आ सकती है मतलब लेस देन वन आएगी ठीक है तो या तो वैल्यू इक्वल टू वन हो सकती है और या तो लेस देन वन हो सकती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन दैट इज इक्वल टू और लेस देन तो 14th का आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखते हैं फिफ्टी क्वेश्चन देखिए फिफ्टींथ क्वेश्चन में कहा गया है अ पर्सन अ मैन गोज टेन मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ देखिए एक पर्सन है ये कितना जा रहा है टेन मीटर नॉर्थ की तरफ गया ठीक है एंड देन ट्वेंटी मीटर टूवर्ड्स ईस्ट अब ईस्ट के होता है राइट right में होता है तो इधर कितना गया ट्वेंटी मीटर गया ठीक है तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है इनिशियल पॉइंट को ए मान लिया और ये क्या है फाइनल पॉइंट है फाइनल पॉइंट को बी मान लिया बताना क्या है हिज डिस्प्लेसमेंट इज तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन तो ये जो हमने हाईपोटिन्यूस खींची है क्योंकि नाइन्टी डिग्री होगा आपको पता ही है ठीक है दो ठीक नाइन्टी डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है हाईप्रोटिन्यूस हाइपोटिन्यूस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ट्वेंटी स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर ट्वेंटी स्क्वायर क्या होता है अंडर रूट ऑफ फोर हंड्रेड प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा हंड्रेड तो आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ फाइव हंड्रेड ठीक है अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा फाइव हंड्रेड मीटर ठीक है और अंडर रूट फाइव हंड्रेड को अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं टेन रूट फाइव भी लिख सकते हैं ठीक है तो टेन रूट फाइव मीटर इज द करेक्ट आंसर लेकिन अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझनी होगी क्या चीज़ समझनी होगी टेन रूट फाइव तो देखिए कोई क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं होगा ठीक है नहीं है ना तो अगर टेन रूट फाइव नहीं है तो कैसे उसको समझें ट्वेंटी फाइव का होता है सिक्स ट्वेंटी फाइव ठीक है टेन रूट फाइव क्या हो जाएगा टू ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव हो जाएगा तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा टेन रूट फाइव मीटर इज़ द करेक्ट आंसर और टेन रूट फाइव की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव ही आनी चाहिए ठीक है अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन सिक्सटीन भी बिल्कुल सेम उसी तरीके का ही एक क्वेश्चन है लेकिन इसको सभी लोग हमारे साथ में करें और देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है अ पार्टिकल अंडर गोज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ थ्री मीटर ठीक है ड्यू टू नॉर्थ मतलब वो नॉर्थ की तरफ गया कितना मीटर गया थ्री मीटर गया वेरी गुड और यहाँ पर ईस्ट पे कितना जा रहा है फोर मीटर जा रहा है तो फोर मीटर किधर जा रहा है ईस्ट पे जा रहा है आपको बताना है नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो अभी हमने आपको बताया था इनिशियल पॉइंट को ले लीजिए ए फाइनल पॉइंट को ले लीजिए बी ठीक है अब यहाँ पे क्या करना है आपको ये जो डिस्टेंस है आपकी ये आपको फाइंड आउट करनी है ठीक है ये आपकी क्या फाइंड आउट डिस्टेंस हो जाएगी कैसे निकलेगी यही आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ठीक है हाईपेटिन्यूज है ना तो हाईपटीन्यूज का फॉर्मूला लगा दीजिए अंडर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर तो अंडर रूट थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव आ जाएगा अंडर रूट ट्वेंटी फाइव का मतलब क्या होता है फाइव मीटर ठीक है तो फाइव मीटर इज द करेक्ट आंसर तो हाइब्रिड न्यूज उसमें क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा दैट इज फाइव मीटर ठीक है बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या कहा गया है अ पार्टिकल इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल अब अगर कोई पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है लेकिन किसमें कर रहा है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ठीक है इट्स विलोसिटी अब उसकी विलोसिटी क्या होगी क्या यूनिफॉर्म रहती है कि वेरिएबल रहती है कि यूनिफॉर्म और वेरिएबल बोथ रहती है तो आपको इस चीज को समझना होगा विलोस्टी को यूनिफॉर्म होने के लिए ठीक है या यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए बॉडी का स्ट्रेट लाइन में मूव करना जरूरी होता है क्योंकि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो हर पॉइंट पे जो जो डायरेक्शन होता है पॉइंट मतलब इस बॉडी का वो क्या होता रहता है चेंज होता रहता है देखिए हर पॉइंट पे डायरेक्शन कैसा हो जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा ना तो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा इसका मतलब हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है और हर पॉइंट पे अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब ये

velocity time graph of body is a straight line parallel to time axis देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास हो गया velocity y axis पे और axis x axis पे क्या हो जाएगा टाइम ठीक है अब आपसे क्या कहा गया है स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस तो टाइम एक्सिस नीचे वाली लाइन थी ना x एक्सिस उसके पैरेलल ये लाइन है अब आपको बताना है इस केस में acceleration क्या होगा ये जो आपका ग्राफ दिखाई पड़ रहा है इस केस में acceleration क्या होगा तो इसमें acceleration हो जाएगा 0 कैसे acceleration हमने 0 बोल दिया हमने एक्सलेशन इसलिए जीरो बोल दिया क्योंकि हर पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी क्या रहेगी सेम रहेगी और याद रखिए जब भी वेलोसिटी सेम रहती है तो एक्सलेशन क्या होता है जीरो होता है ठीक है तो लोकी कीबोर्ड नाम से जो बच्चा है उसका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है इसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा नाइनटीन में कहा गया है

नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारे पास स्लोप ऑफ ऑफ टाइम ग्राफ ऑफ्राफ बॉडी रिप्रजेंट डैश ऑफ बॉडी यहाँ पे वो डैश रह गया है ठीक है तो स्लोप बताना है टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है तो स्लोप का मतलब क्या होता है डिवीजन एक तरीके से अगर समझा जाए तो स्लोप का मतलब होता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस ठीक है वाई एक्सिस पे क्या होता है विलोस्टी होती है चेंज इन विलोस्टी ठीक है में जो चेंज होता है दैट इज ऑन एक्स एक्सिस टाइम इंटरवल हो जाएगा दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे चेंज इन अपॉन टाइम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा एक्सेलेशन मिलेगा ठीक है बेटा तो इसका डिस्प्लेसमेंट आंसर गलत है लोकी की बोर्ड इसका आंसर डिस्प्लेसमेंट गलत है इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन ठीक है इसका आंसर है एक्सेलरेशन इस चीज को बेटा थोड़ा याद रखना इस एक क्वेश्चन गलत हुआ है एक बच्चे से बाकी सब इसने ज्यादातर सही आंसर्स दिए थे ठीक है तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा किसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा फिर से क्वेश्चन दिखा देते हैं स्लोप ऑफ वे लोशिग्राफी लॉशिट टाइमग्राफ का स्लोप क्या देता है एक्सलरेशन देता है इस बात को सब लोग याद रखेंगे ठीक है अगर मान लो इसी क्वेश्चन में कहा जाता कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है क्या कहा जाता है डिस्टेंस टाइमग्राफ है और पूछा जाता कि स्लोप क्या देगा ठीक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है तो ये देता स्पीड ठीक है अगर मान लीजिए कहा जाता स्पीड टाइम ग्राफ है क्या कहा जाता है स्पीड टाइम ग्राफ है और पूछा जाता है इसका एरिया क्या मिलेगा हम लोग को स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या मिलेगा तो हम लोग को मिलता है डिस्टेंस ठीक है तो इस तरीके से ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं वो सभी बच्चों को पता होनी चाहिए ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी पहला स्टेटमेंट एसर्शन यह दिया गया है कि डिस्टेंस क्या है स्केलर क्वांटिटी है और साथ ही साथ रीजन देखिए क्या दिया गया रीजन दिया गया है इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो फिक्स्ड डायरेक्शन इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होती है तो देखिए असर्शन अगर आप देखें तो एसर्शन तो सही है ठीक है और रीजन अगर देखें तो रीजन भी सही है और जो एसर्शन है उसका एक्सप्लेनेशन रीजन में दिया हुआ है मतलब जो एसर्शन दिया गया है उसका एक्सप्लेनेशन रीजन में दिया गया है डिस्टेंस क्यों स्केलर क्वांटिटी है इसलिए स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है इसका मतलब अगर देखा जाए इस इस क्वेश्चन इस का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर A. मतलब एसर्शन भी सही है रीजन भी सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन नंबर ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं है. Question number two में देखिए क्या दिया गया एसर्शन दिया गया है assertion में कहा गया देखिए, अब यहां पे क्या कहा गया है कि अगर बॉडी सेम वेलोसिटी से चल रही है मींस द बॉडी बेटा क्लास सिर्फ यूट्यूब पे होती है और कहीं नहीं होती है ठीक है तो बॉडी इज मूविंग विद सेम विलॉसिटी बॉडी सेम विलॉसटी से चल रही है तो क्या वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही होगी तो बिल्कुल सही है एसर्शन बिल्कुल सही दिया गया है याद रखिएगा विलॉसिटी कांस्टेंट होना जरूरी होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए कई बच्चे सोचते हैं कि बॉडी की जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन फॉलो करेगी तो ऐसा नहीं है स्पीड कॉन्स्टेंट होने से कभी भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए रीजन क्या दिया गया इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड विद कांस्टेंट स्पीड इट इज सेट टू बी अ यूनिफॉर्म मोशन देखिए यहां पर आपको क्या दिया गया है एसर्शन uh, तो बिल्कुल सही था अब रीजन देखिए रीजन में क्या कहा गया कि बॉडी एक है जो स्ट्रेट लाइन में चल रही है और साथ ही साथ उसकी स्पीड क्या है कॉन्स्टेंट है ठीक है उसकी स्पीड भी क्या है कांस्टेंट है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे तो क्या ये बात सही है बेटा कोई ट्रिक नहीं होती है आपको ट्रिक नहीं समझनी है यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ए बी सी डी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन लगाया जाए ठीक है ट्रिक यहां पे कोई नहीं होती है ये फिजिक्स है साइंस है कोई ट्रिक इसमें नहीं अप्लाई होगी तो देखिए असर्शन तो सही है और रीजन अगर देखा जाए रीजन भी स्टेटमेंट वाइज सही है जो रीजन का स्टेटमेंट दिया गया है वो तो सही है लेकिन एसर्सन का जो करेक्ट स्टेटमेंट रीजन में है क्या वो सही है कि नहीं तो समझिए इसको क्या करना होता है सिंपल आप यहाँ पे एक बिकॉज लगा दीजिए ठीक है ट्रिक आप पूछ रहे हैं तो ट्रिक में बता देता हूं एसर्सन के जस्ट बाद आप बिकॉज लगा दीजिए अगर आप बिकॉज लगा रहे हैं और ये स्टेटमेंट उसको कंप्लीट कर रहा है ठीक है तब आप कहेंगे कि ए ऑप्शन सही है मतलब एसर्सन भी सही है रीजन भी सही है और स्टेटमेंट भी सही है मतलब रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का तो करके देखते हैं क्वेश्चन में कहा गया बॉडी इज मूविंग विद सेम वेलोसिटी इज सेट टू परफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज इफ अ बॉडी इज मूविंग विद स्ट्रेट लाइन एंड विद कांस्टेंट स्पीड इट इज सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन तो क्या ये स्टेटमेंट क्या ये रीजन जो है वो असर्शन का स्टेटमेंट है तो आंसर है गलत ये रीजन तो सही है लेकिन ये असर्शन को डिफाइन नहीं कर रहा है ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए अलग अलग स्टेटमेंट तो सही है लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ठीक है तो यह बात आप लोग याद रखेगा ऐसा अब यहां पे रीजन क्या हो सकता था कि अगर बॉडी सेम वेलोसिटी से चल रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा अब यहाँ पे अगर ये डिफाइन कर देते कि स्ट्रेट लाइन अगर ये डिफाइन कर दिया जाता कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में कब होती है जब बॉडी की वेलोसिटी सेम होती है लेकिन वेलोसिटी सेम कब होती है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी और कॉन्स्टेंट स्पीड में होगी तो देखिए यहाँ पर अगर देखें क्योंकि यही डिफाइन किया गया है बिल्कुल नहीं नहीं यहाँ पर अगर देखा जाए एसर्सन तो सही है रीजन भी सही है और देखिए जो हम बता रहे हैं वो चीज़ यहाँ पर डिफाइन भी करी गई है यूनिफॉर्म मोशन को और साथ ही साथ यहां पे यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन किया गया है तो इसमें आप ऑप्शन नंबर बी नहीं लगाएंगे इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए ठीक है एसर्शन भी सही है रीजन भी सही है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका Assertion का ठीक है तो ये ऑप्शन आपका ए सही होगा क्वेश्चन नंबर टू में क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए थ्री में क्या कहा गया एसर्शन दिया गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विच हैज कंप्लीटेड वन रिवोल्यूशन अ सर्कुलर पाथ इज जीरो अब देखिए कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में चल रही है ठीक अब सर्कुलर पाथ में अगर बॉडी ने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये समझिए कि अगर बॉडी ने एक कंप्लीट रेवल्यूशन कंप्लीट किया एक कंप्लीट किया तो आपको पता है एक कंप्लीट रिवलूशन करने के बाद होता क्या है एक कंप्लीट रेवल्यूशन करने के बाद होगा ये कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्यों जीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट क्योंकि अगर एक कंप्लीट रेवल्यूशन हो रहा है सर्कुलर मोशन में अगर एक कंप्लीट रेवल्यूशन होता है तो आपको पता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या होते हैं

पॉइंट टू अगेन बेटा पॉइंट टू इसका पॉइंट अगेन एक्सप्लेन कर दे इन केस ऑफ वन रिवोलूशन ऑफ सर्कुलर मोशन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्वन साइड क्वन साइड का मतलब क्या होता है क्वनसाइड का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट लाइक करेंगे कब जब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा ठीक है तो यहाँ पे एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और साथ ही साथ एसर्शन जो है मतलब जो रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका एसर्शन का ठीक है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर क्या लगाएंगे आप ए ऑप्शन टिक लगाएंगे बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात जो कर रहे हैं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्पीड देगा लेकिन एक्सेलरेशन यहां से नहीं मिलेगा ये चीज हम लोग को समझनी है क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए फोर्थ में देखिए क्या कहा गया एक्स एसर्शन दिया गया है एवरेज स्पीड और इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन एवरेज स्पीड की डेफिनेशन दी गई है आपको पता है बिल्कुल सही डेफिनेशन है क्या डेफिनेशन होती है डेफिनेशन होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन क्या एवरेज स्पीड जो होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगी यूनिफॉर्म मोशन के केस में तो हाँ ये भी स्टेटमेंट सही है तो एसर्शन भी सही है रीजन भी सही है लेकिन अगर यहाँ पे एक बिकॉज लगाया जाए ठीक है अगर यहाँ पे मान लीजिए एक बिकॉज लगाया जाए तो ये असर्शन के बाद रीजन इसको कंप्लीट नहीं करता ठीक है एसर्शन के बाद रीजन इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है तो एसर्शन तो सही था रीजन भी सही था लेकिन जो रीजन है दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन तो इसमें ऑप्शन नंबर बी पे आपको टिक लगाना पड़ेगा फिर से आप समझ लीजिए एवरेज स्पीड जो है वो तो रेशियो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन का यहां पे दिया गया एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन मतलब दोनों अलग अलग देखे जाएं अगर स्टेटमेंट तो सही है ठीक है लेकिन अगर दोनों का यह कहें कि एसर्शन का एक्सप्लेनेशन रीजन है तो यह गलत है ठीक है तो इसमें क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव बेटा क्लास टेन की भी वीडियोस बहुत जल्दी डाली जाएंगी बहुत जल्दी लाइव क्लास होगी चिंता ना करें गौरव कुमार नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन फाइव में कहा गया एसर्शन एरिया ऑफ विस्टिटाइंग्राफ गिव डिसमेंट ऑफ दी बॉडी ठीक है अब जो ग्राफ मतलब आपको पता होगा y पे होती है, X पे होता है. इसका जो एरिया होगा वो क्या देता है हम लोग को एरिया देता है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है मतलब totally अब देखिए इसके बाद आपको क्या समझना है रीजन रीजन में क्या कहा गया डिस्प्लेसमेंट इज द रेशियो ऑफ एंड टाइम क्या डिस्प्लेसमेंट रेशियो होता है का? बिल्कुल गलत है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है प्रोडक्ट होता है विलॉसिटी और टाइम का तो ये तो स्टेटमेंट हमारा गलत है तो ये तो बहुत आसान हो गया रीजन एकदम गलत है और साथ ही साथ एसर्शन बिल्कुल सही है तो अगर आपने देखा होगा अभी ऊपर जो हम लोग आपको मेथड बताए थे कैसे आप एबीसीडी ऑप्शन देखेंगे ठीक है तो उसमें आप बेटा अगर स्क्रीन ब्लर आ रही है तो आप वन पी की जगह आप टू या थ्री पी लगा सकते हैं आपकी स्क्रीन सही हो जाएगी यहाँ पर एसर्शन तो सही है लेकिन रीजन जो है ये फॉल्स है और जो हमारे स्टेटमेंट थे चार स्टेटमेंट ए बी सी डी वाले उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये तब होता है जब ऑप्शन नंबर सी होगा ठीक है तो ऑप्शन सी में यही लिखा था कि एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन सिक्स देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है असर्शन में क्या दिया गया सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म मोशन पूछा गया है सर्कुलर मोशन का नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो बिल्कुल सही बात है सर्कुलर मोशन कभी भी याद रखिएगा सर्कुलर मोशन चाहे कांस्टेंट स्पीड से हो रहा होगा लेकिन कभी भी ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता सर्कुलर मोशन हमेशा कैसा मोशन होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है सेकेंड क्या कहा गया है इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ बॉडी चेंजेस एट ऑल पॉइंट्स देखिए यहां पे क्या कहा गया सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिल्कुल सही बात है तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू रीजन में क्या कहा गया इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ बॉडी चेंजेस एट ईच पॉइंट एट ऑल दी पॉइंट्स तो बिल्कुल सही बात है देखिए जब भी सर्कुलर मोशन कोई बॉडी कर रही होती है तो हर पॉइंट पे हर पॉइंट पे जो बॉडी का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है लगातार चेंज होता है और इसी डायरेक्शन के चेंज होने से इसी डायरेक्शन के चेंज होने से हम लोग क्या कहेंगे बॉडी की वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती है बॉडी की वेलोसिटी क्या होती रहती है चेंज होती रहती है और बॉडी की विलॉसिटी क्योंकि चेंज हो रही है तो हम लोग क्या कहेंगे मोशन कैसा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा इसका मतलब एसर्शन तो सही था रीजन भी सही था और रीजन ने बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर दिया किसको एसर्शन को ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिक्स क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्यों हुआ ऑप्शन नंबर ए बिकॉज एसर्शन इज करेक्ट रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन

पॉजिटिव निगेटिव या जीरो नहीं हो सकती ठीक है बेटा अब यहां पर अगर देखा जाए वैक्टर क्वांटिटी अगर होती अगर इसकी जगह डिस्प्लेसमेंट लिखा होता तो डिस्प्लेसमेंट में ये चीज़ फॉलो होती कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकता है ना नेगेटिव हो सकता है ना ही जीरो हो सकता है तो एसरसन तो गलत है एसरसन इज टोटली रॉन्ग रीजन देखिए डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देखिए यहां पर एसरसन तो गलत था लेकिन रीजन जो है वो स्टेटमेंट सही है डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फिक्स्ड भी होता है डिस्प्लेसमेंट के पास और फिक्स्ड डायरेक्शन भी होती है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो इन लोगों ने मतलब रीजन जो है तो सही दिया है लेकिन असर्शन क्या दिया है गलत दिया है तो इसमें अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट के हिसाब से तो हम लोग ऑप्शन कौन सा टिक लगाएंगे डी ऑप्शन हम लोग टिक लगाएंगे ठीक है हम ये देख पा रहे हैं कि बच्चे कोई भी आंसर नहीं दे रहे हैं आंसर नहीं दे रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं असर्शन रीजन क्वेश्चन सबको बहुत ज्यादा टफ लगते हैं बेटा लेकिन ये याद रखिएगा सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एसर्शन रीजन भी पूछा जाएगा केस स्टडी भी पूछा जाएगा एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे एमसीक्यू बहुत आसान होते हैं क्योंकि उसमें बच्चों को एक फिल इन द ब्लैंक्स या सिंपल सा कोई क्वेश्चन होता है चार ऑप्शन दिए होते हैं आप आसानी से उसको टिक लगा लेते हैं लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बहुत डीपली चीजों को समझना है तो ये टफ पड़ता है तो हम लोग इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे एग्जाम से पहले नेक्स्ट देखिए तो ये सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एट क्वेश्चन देखिए

एक्सेलरेशन के केस में जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमेशा ज्यादा होती है किससे इनिशियल लॉस्टी से तो ये भी बात क्या है करेक्ट है लेकिन अगर आप ध्यान से देखें असर्शन तो सही था रीजन भी सही था लेकिन क्या रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो आंसर है गलत जो रीजन है दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ठीक है तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे बी ऑप्शन इस पर आप टिक लगाएंगे ठीक है क्योंकि पहला स्टेटमेंट जो एसर्शन है वो बिल्कुल अलग है और जो रीजन है वो बिल्कुल ही अलग है दोनों अपने में तो अलग अलग सही है लेकिन ये नहीं कह सकते कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन तो इसमें कौन सा ऑप्शन टिक लगेगा बी ऑप्शन टिक लगेगा नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन दिस इज इंटरवल तो ये क्या है इंटरवल है ठीक है इंटरवल ऑफ टाइम तो इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन बात बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है डेफिनेशन यूनिफॉर्म मोशन की सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया गया फॉर यूनिफॉर्म मोशन द ऑब्जेक्ट मस्ट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी देखिए अगर को, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट और यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना जरूरी है तो ये भी स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है ठीक है तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो असर्शन बिल्कुल सही है रीजन भी बिल्कुल सही है ठीक अब यहां पे आपको ये जानना है कि ऑप्शन ए पे टिक लगाएं कि ऑप्शन पे बी पे टिक लगाएं तो देखिए क्या रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है तो देखिए इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज टू बी यूनिफॉर्म मोशन अब यहां पर अगर आप देखेंगे दोनों स्टेटमेंट एक ही जैसे हैं दोनों स्टेटमेंट क्या है एक ही जैसे हैं क्योंकि यहां पे भी यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन ही दी गई है रीजन नहीं बताया गया है डेफिनेशन दी गई है और दोनों ही डेफिनेशन यूनिफॉर्म मोशन की करेक्ट है लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन यहां नहीं दिया गया है तो आप यहां पे भी ऑप्शन कौन सा लगाएंगे बी ऑप्शन आप टिक लगाएंगे ठीक है तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवन है इसमें कहा गया फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी फोर्स दिया गया है फोर्स कैसी क्वांटिटी है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है सबको पता है

क्योंकि फोर्स के पास फिक्स्ड मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है और साथ ही साथ फिक्स्ड डायरेक्शन भी होती है तो इसमें करेक्ट है साथ ही साथ रीजन भी करेक्ट है और अगर देखा जाए तो रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है किसका असर्शन का ठीक है तो इसमें आप ऑप्शन क्या टिक लगाएंगे इज करेक्ट क्योंकि देखिए वेक्टर क्वांटिटी है बिल्कुल सही बात है और फोर्स के पास एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड है और साथ ही साथ फिक्स्ड डायरेक्शन भी है तो ये उसका रीजन भी है पहले स्टेटमेंट का मतलब एसर्शन का रीजन बिल्कुल सही दिया गया है एक्सप्लेनेशन सही है ठीक है एक्सप्लेनेशन क्या है रीजन जो दिया गया है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन क्या रीजन दिया गया फोर्स हैज फिक्स्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ फिक्स्ड डायरेक्शन ठीक है तो ये हमारे पास दोनों बातें सही हो जाएंगी इसमें आप ऑप्शन नंबर ए टिक लगाएंगे बी पे आप टिक नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पर जो रीजन था वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन था किसका एसर्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है इसमें दिया गया एरिया ऑफ टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या देगा डिस्प्लेसमेंट देगा क्योंकि आपको पता है एरिया जो होता है वो क्या होता है मल्टीप्लीकेशन होता है वाई एक्सिस का और एक्स एक्सिस का अगर आप देखें अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपके पास स्लोप uh, होता है अगर आप ग्राफ में स्लोप देखेंगे तो स्लोप क्या देता है स्लोप देता है आपको स्लोप कैसे मतलब स्लोप अगर देखेंगे तो स्लोप कैसे मिलता है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस से आपको क्या मिलेगा स्लोप मिलेगा और एरिया कैसे मिलता है एरिया मिलता है बाई मल्टीप्लाइंग वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस ठीक है तो वाई एक्सिस पे क्या था विलोश्री थी एक्स एक्सिस पे क्या था टाइम था दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया क्या मिल गया डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो एरिया ऑफ विस्ट्री टाइमग्राफेज डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल करेक्ट है तो एसर्शन इज टोटली करेक्ट ठीक बेटा वीडियो बहुत दे, बिल्कुल डेली ही आने की लाने की हम लोग कोशिश करते हैं कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है कोई काम पड़ जाता है इमरजेंसी तो नहीं आ पाती है वैसे डेली नौ बजे रात में क्लास होती ही होती है लाइव नेक्स्ट रीजन में देखिए क्या दिया गया एरिया ऑफ ग्राफ इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस तो ये देखिए अभी हमने आपको बताया इसका कारण यही है ठीक है तो एसर्शन भी सही है रीजन भी सही है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका एसर्शन का तो इसका आंसर ए आप टिक लगाएंगे ए ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर है थर्टीन में देखिए क्या दिया गया एसेशन दिया गया मोशन अ स्ट्रेट पाथ इज लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस बिल्कुल सही बात है, time graph है अगर मान लीजिए इधर है और टाइम इधर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है पैरेलल टू टाइम एक्सिस ये ग्राफ बनेगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस बिल्कुल सही बात है अब इसमें होता ऐसा क्यों है इसलिए ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है कांस्टेंट होती है देखिए हर पॉइंट पे इस पॉइंट पे देखा जाए इस पॉइंट पे देखा जाए इस पॉइंट पे देखा जाए हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है सेम ही तो है इसीलिए ग्राफ कैसा बन रहा है स्ट्रेट लाइन बन रहा है इसका मतलब एसर्शन सही था रीजन भी सही था और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका एसर्शन का तो इसमें आप ऑप्शन कौन सा टिक लगाएंगे ए ऑप्शन आप इसमें टिक लगाएंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर है 14 में क्या कहा गया एसर्शन है ओडोमीटर ऑफ कार मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ कार ओडोमीटर जो कार का है क्या वो इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है बिल्कुल गलत ये क्या मेजर करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसको मेजर करेगा तो एसर्शन गलत हो गया रीजन देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टोटल टाइम ये सही है ठीक है तो एसर्शन गलत है रीजन सही है ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन में कहा गया एसर्शन दिया गया है एन ऑब्जेक्ट में स्पीड अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है स्पीड बॉडी की कॉन्स्टेंट है स्पीड मान लीजिए फोर मीटर पर सेकेंड है और सर्कुलर मोशन हो रहा है ठीक है तो हर पॉइंट पे बॉडी क्या कर रही है अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है डायरेक्शन चेंज करने की वजह से आप क्या देखेंगे उसमें एक्सेलरेशन होगा लेकिन स्पीड क्या है कॉन्स्टेंट है तो ये बात एसर्शन की बिल्कुल सही है नेक्स्ट कहा गया एन ऑब्जेक्ट में बी मूविंग विध यूनिफॉर्म विलॉसिटी बट इट मे बी चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन देखिए अगर बॉडी यूनिफॉर्म विलॉसिटी से चल रही है तो क्या वो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रही होगी तो बिल्कुल गलत है इट इज टोटली रॉन्ग क्यों गलत है क्योंकि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में दो चीजें इंक्लूडेड होती हैं क्या क्या स्पीड कांस्टेंट होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी होगी जब स्पीड क्या हो कांस्टेंट हो हो और साथ साथ ही डायरेक्शन क्या स्ट्रेट लाइन हो मतलब डायरेक्शन हमेशा सेम हो लेकिन यहां पे क्या कह दिया गया यहां कह दिया गया डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा हो तो ये गलत है इसका मतलब एसर्शन तो सही था रीजन क्या था गलत था तो इसमें ऑप्शन आप कौन सा टिक लगाएंगे सी ऑप्शन पे आप यहां पर टिक लगाएंगे तो क्वेश्चन में कहा गया है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोज तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है तो देखिए स्लोप का मतलब क्या होता है रेशियो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर इसको आप देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सबको पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हम लोगों को क्या देता है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम देता है विलासिटी ठीक है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विल गिव गिवॉसिटी तो विलासिटी इसका सही आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में एक्सेलरेशन दिया है स्पीड दिया है डिस्प्लेसमेंट दिया है लेकिन वेलोसिटी नहीं दी है तो नन ऑफ दी अप हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट तो देखिए यहाँ पे भी कहा गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है तो देखिए जब भी स्लोप की बात करी जाए फिर से आपको समझना है कि विलासिटी अपॉन टाइम और विलासिटी अपॉन टाइम कौन सी फिजिकल क्वान्टिटी दे सकती है तो ये देगी हम लोग को एक्सेलरेशन तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज एक्सेलरेशन मान लीजिए अगर बोला जाता है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसी में कह देते एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा तो एरिया का मतलब याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन होता है ठीक है तो वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा और विलॉसिटी इन टाइम क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है ठीक है तो आपको ये भी बात याद रखनी है कि एरिया जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट देगा स्लोप जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हम लोग को एक्सेलरेशन देगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए क्वेश्चन आ ही गया तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ अभी हमने देखा इट विल गिव डिस्प्लेसमेंट अच्छा यहाँ इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ होता तब क्या होता अगर स्पीड टाइम ग्राफ होता तो जो एरिया uh, हो जाता वो होता है स्पीड इन टाइम और स्पीड इन टाइम हमको पता है क्या होता है स्पीड इन टाइम होता है डिस्टेंस तो क्या दे देता डिस्टेंस दे देता लेकिन यहाँ पर टाइम ग्राफ है तो आंसर क्या जाएगा? आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कहा गया है कन्वर्ट ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड इन टू किलोमीटर पर आर तो देखिए यहां पे ट्वेंटी किलोमीटर ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है अब ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड है इसको किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एटीन बाई फाइव से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो फाइव फोर जो ट्वेंटी आ जाएगा एटीन फोर जो सेवेंटी टू आ जाएगा तो आंसर है सेवेंटी टू किलोमीटर पर आर तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अच्छा मान लीजिए इसी में अपोजिट करना होता कि किलोमीटर पर आर में क्वेश्चन दिया होता और हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता तो हम लोग जो भी मल्टीप्लिकेशन करते वो किससे करते फाइव बाई एटीन से करते ठीक है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं द टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सलेशन इज अ कर लाइन देखिए टाइम ग्राफ है लेकिन कैसा एक्सलेशन यूनिफॉर्म इसको आपको समझना पड़ेगा जैसे इधर वेलोसिटी हो गई वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे क्या हो गया टाइम हो गया ठीक है अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आपको याद रखना है लाइन कर्व नहीं होती है लाइन स्ट्रेट होती है ना? तो स्ट्रेट लाइन आपको डिनोट करेगी दैट इट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता तो कर्व लाइन होती है। ठीक है तो यहाँ पर कर्व लाइन दिया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लुक एट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एसेंडिंग पैसेंजर लिफ्ट एन आंसर द क्वेश्चन नंबर सिक्स टू एट देखिए एक हम लोग को ग्राफ दिया गया है जो ग्राफ है ये स्पीड और टाइम के बीच में मतलब ये स्पीड है वाई एक्सिस पे और एक्सिस पे क्या है टाइम है इस ग्राफ को थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि जीरो से लेके कर टेन सेकेंड्स तक मतलब ये टेन सेकेंड है ना तो ज़ीरो से टेन सेकेंड्स तक बॉडी की जो स्पीड है वो सिक्सटीन मीटर पर सेकेंड रह रही है टेन से लेके कर ट्वेंटी सेकेंड तक बॉडी की स्पीड सिक्सटीन ही रह रही है यहाँ पर तो बढ़ रही थी स्पीड जीरो से क्या हो रही थी सिक्सटीन हो रही थी ठीक है टेन सेकेंड्स तक लेकिन टेन से ट्वेंटी सेकेंड्स तक जो बॉडी की स्पीड है वो हमेशा कॉन्स्टेंट है क्या सिक्सटीन और उसके बाद सिक्सटीन सेकेंड्स के बाद अगर आप देखें मतलब ट्वेंटी सेकेंड्स के बाद देखें तो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव सेकेंड्स में क्या हो रहा है स्पीड कम हो रही है कहां से क्या पहुँच रही है तो सिक्सटीन यहां पर स्पीड है और यहां पर स्पीड क्या है जीरो है तो इस तरीके से एक्सेलरेशन हुआ फिर जीरो एक्सेलरेशन हुआ फिर रिटार्डेशन हुआ तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है अब देखते हैं सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट ड्यूरिंग फर्स्ट टेन सेकेंड्स मतलब ये जो फर्स्ट टेन सेकेंड्स हैं ज़ीरो से लेके टेन सेकेंड जो यहाँ पे ये टेन सेकेंड्स है ना तो मतलब यहाँ से यहाँ तक में आपको बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा तो एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला पता है ए का फॉर्मूला होता है वी माइनस यू अपॉन टी अब अगर ध्यान से देखें तो वी क्या है ये वाली विलोसिटी है जो कि सिक्सटीन है ठीक है यू क्या है यू है जीरो तो सिक्सटीन माइनस जीरो हो गया टाइम कितना हो गया जीरो से टेन सेकेंड में टाइम लग रहा है टेन इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा वन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो वन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या है ऑप्शन है वन पॉइंट सिक्स डी ऑप्शन है देखिए डी ऑप्शन जो है इसका सही है वन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या कहा गया फाइंड द एक्सेलरेशन बिटवीन टेन टू ट्वेंटी सेकेंड देखिए अभी टेन टू ट्वेंटी सेकेंड में हमने देखा था जो लाइन है वो स्ट्रेट है और हमेशा जो वेलोसिटी आ रही है टेन टे ट्वेंटी सेकेंडस में वो सिक्सटीन मीटर पर सेकेंड ही आ रही है आप लोग इसको फिर से देख सकते हैं देखिए टेन से ट्वेंटी सेकेंड्स में देखिए क्या है ये तो टेन यहाँ पर है ठीक है ट्वेंटी यहाँ पर तो टे टेन से ट्वेंटी सेकेंडस में जो विलोसटी है वो हमेशा कितनी है सिक्सटी है मतलब विलासटी में कोई भी चेंज नहीं आया और क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया इसलिए इस केस में हम लोग क्या कहेंगे एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जीरो क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम अगर आप करेंगे तो वी भी सिक्सटीन है और यू भी सिक्सटीन है अपॉन क्या हो जाएगा जीरो तो आंसर अपॉन ऑन टी टेम हो जाएगा टेन आंसर तो क्या हो जाएगा जीरो ठीक है तो जीरो इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन ठीक है सेवन क्वेश्चन में आपने देखा आंसर क्या है ऑप्शन बी है दैट इज जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट है फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग लास्ट फाइव सेकेंड्स देखिए एक्सेलरेशन बताना है आखिरी के फाइव सेकेंड्स में एक्सेलरेशन बॉडी का क्या है अब आप लोग देख सकते हैं लास्ट फाइव सेकेंड्स के बारे में थोड़ा सा इसको फिर से हम ले आते हैं नीचे तो लास्ट फाइव सेकेंड्स के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो रेड लाइन है ये लास्ट फाइव सेकेंड्स को डिनोट कर रही है ठीक है लास्ट फाइव सेकेंड मतलब ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव सेकेंड्स तक की बातें आपको पूछी गई है अब इसमें अगर एक्सलेशन देखेंगे तो फॉर्मुला फिर से आप लगा दीजिए v माइनस यू बाई टी ठीक है यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो नीचे ऐसे आ रहा है तो मतलब ये पॉइंट हो जाएगा इनिशियल पॉइंट ये पॉइंट हो जाएगा फाइनल पॉइंट तो फाइनल पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी देखेंगे तो कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी ठीक है इस पॉइंट पे ट्वेंटी फिफ्थ सेकेंड पे वेलासिटी क्या है फाइनल जीरो है इनिशियल वी क्या हो जाएगी सिक्सटीन हो जाएगी ठीक है अपॉन क्या कर देंगे टोटल टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक में तो फाइव लगा तो सिक्स माइनस सिक्सटीन बाई फाइव इसका आंसर आया माइनस सिक्सटीन बाई फाइव तो माइनस सिक्सटीन बाई फाइव अगर आप करेंगे तो फाइव थ्रीजा फिफ्टीन थ्री पॉइंट टू आ जाएगा तो माइनस में थ्री पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर इसका बन जाएगा ठीक है तो माइनस थ्री पॉइंट टू इज़ द करेक्ट आंसर ये लेकिन यार याद रखिएगा माइनस में दे रहा है तो माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है दैट इट इज़ रिटार्डेशन रिटार्डेशन का मतलब निगेटिव ऑफ एक्सेलेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन मतलब स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है इंक्रीज नहीं हो रही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अच्छा इसका आंसर पहले देख लीजिए एर्थ क्वेश्चन का आंसर थ्री पॉइंट टू मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं नाइन्थ में क्या कहा गया है असटोन इज वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड्स वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका गया है किसी भी स्टोन को जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा ग्राउंड है ठीक है स्टोन यहाँ पे था इसको ऊपर फेंका गया विद स्पीड ऑफ फाइव मीटर पर सेकेंड तो किस स्पीड से फाइव मीटर पर सेकेंड की इनिशियल बलॉस्टी से ऊपर फेंका गया इसके बाद क्या समझना है हाउ हाई डज द स्टोन राइज बिफोर रिटर्निंग बैक टू दर्थ अब देखिए आपको पता होगा जब स्टोन हाइएस्ट पॉइंट पर पहुँचता है तो उस पॉइंट पे जो उसकी फाइनल लॉसिटी हो जाती है वो कुछ समय के लिए जीरो आती है मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे याद रखिएगा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर होगा नीचे से अगर फेंका गया है ऊपर तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो फाइनल लॉसिटी होती है जो विलासिटी होती है वो जीरो होती है आपको बताना है हाउ हाई हाउ हाई का मतलब आपको हाइट बतानी है अब हाइट कैसे बताई जाएगी तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच या टू ए एस और क्योंकि ए की जगह क्या हो जाएगा जी हो जाएगा जी दिया गया है टेन देखिए वी स्क्वायर वी था जीरो यू में आप क्या रख देंगे यू में फाइव रख देंगे फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव हो जाएगा माइनस ठीक है क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है जी की वैल्यू निगेटिव होगी तो माइनस टू इंटू टेन इंटू एच ठीक है तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ट्वेंटी अगर आप इसको इस वाले टर्म को इधर भेज दें तो ट्वेंटी एच की वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी एच विल बी इक्वल टू वॉर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी एच ट्वेंटी फाइव हो जाएगा तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी एच की वैल्यू हो जाएगी वन पॉइंट टू फाइव ठीक है ट्वेंटी एच अगर देखा जाए तो ये और ये कट जाएगा पॉइंट यहाँ लग जाएगा तो वन पॉइंट टू फाइव मीटर विल बी द करेक्ट आंसर लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं वन पॉइंट टू एट दिया गया है तो हम लोग इसी को वन पॉइंट टू फाइव अप्रॉक्सीमेटली मान लेंगे तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं ओडोमीटर क्या मेजर करता है तो ओडोमीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है आप लोग ने देखा होगा जो हम लोग के पास गाड़ियाँ होती हैं उसमें ओडोमीटर होता है तो ओडोमीटर मेजर क्या करता है लेकिन मैं एक बार आपको एक अच्छा डायग्राम दिखा देता हूं ओडोमीटर का तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक ओडोमीटर है अब इसमें दो चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी पहला तो ये आपको रीडिंग दिखाई पड़ रही है सिक्सटी फोर्टी ट्वेंटी एट्टी हंड्रेड ये जो रीडिंग है किसमें है ये है किलोमीटर पर आर में ठीक है ये सब जो रीडिंग दी गई है किसमें दी गई है किलोमीटर पर आर में दी गई हैं इसके बाद ये जो आपको ये वाली नीडल दिखाई पड़ रही है तो दिस इज़ नॉट शोइंग द नीडल ऑफ अ ओडोमीटर दिस इज़ स्पीडो क्योंकि ये स्पीड को शो कर रहा है ठीक है दिस इज़ व्हाट दिस इज़ स्पीडोमीटर लेकिन अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो ये डिस्टेंस शो करता है ठीक है ये जो नीचे दिखाई पड़ रहा है ये डिस्टेंस शो करता है इसको कहते हैं हम लोग ओडो तो गाड़ी ने जो वहीकल है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये मेजर करता है क्या ओडोमीटर तो ये हमारे पास ये जो नीचे डिवाइस लगी हुई है दिस इज कॉल्ड ओडोमीटर और ये जो नीचे लगा हुआ है दिस इज ट्रिप एक ट्रिप में आप कितना चल रहे हैं वो ये इससे मेजर किया जाता है और इसको हम लोग बार बार रीसेट भी कर सकते हैं यहाँ पे एक बटन होता है जिसको अगर आप प्रेस करेंगे तो ये रीसेट हो जाता है ठीक है तो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या इसका आंसर है क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने भी तो क्वेश्चन ये था क्वेश्चन में कहा गया था ओडोमीटर मेजर्स तो आपको पता चल गया होगा ओडोमीटर क्या मेजर कर रहा है डिस्टेंस ट्रवर्ड बाय दी व्हीकल मेजर करता है ठीक है अगर पूछा जाता है स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है तो स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है तो इस तरीके से हमारे ये टेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं समाप्त किया है इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज फॉर अ बॉडी हैविंग डैश मोशन तो आपको बताना है कैसे मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग यूज करते हैं तो आपको पता होगा तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है पहली होती है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ठीक है दूसरी होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ठीक है जहाँ पे एस क्या होता है इस बच्चे सोचते हैं कि स्पीड है जबकि स्पीड नहीं होती ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है और थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस ठीक है तो ये तीन ऑफ मोशन होती हैं ये तब यूज होती हैं जब बॉडी कैसे मोशन में करती है नंबर टू इसमें कहा गया है एरिया अंडर वीटी ग्राफ तो वीटी ग्राफ जो है विलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका एरिया क्या देगा तो देखिए आपको कुछ एरिया याद रखने हैं वीटी ग्राफ जो है इसका एरिया आपको क्या देता है इसका विलॉसिटी इंटू टाइम ठीक है एरिया मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन तो विलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है डिसप्लेसमेंट होता है याद रखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेकिन मान लीजिए स्पीड टाइम ग्राफ पूछते तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया होता डिस्टेंस ठीक है दोनों बात याद रखिएगा स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होगा स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस होगा अगर मान लीजिए स्लोप की बात करी जाती स्लोप क्या होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप पूछा था वीटी ग्राफ का अगर स्लोप पूछा होता तो ये होता एक्सेलरेशन ठीक है और अगर स्पीड टाइम ग्राफ का पूछा आता ये भी क्या होता है ये भी होता है एक्सेलरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ अ बॉडी इफ विलॉसिटी ऑफ अ बॉडी इज रिड्यूसिंग देखिए इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन थ्री में कहा गया है विलॉसिटी जो है बॉडी की वो क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है कम हो रही है जब बॉडी की वेलोसिटी कम होती है तो आपको पता होगा एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन ठीक है क्या आएगी रिटार्डेशन देखिए सिंपल सा आपको फॉर्मूला समझना है ए का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी माइनस यू अपॉन टी अब यहाँ पे वी क्या होती है फाइनल वेलोसिटी होती है यू क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी होती है अब इनिशियल वेलोसिटी कम होगी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी ठीक है फाइन नहीं देखिए यहां पे क्या गया बॉडी इज रिड्यूसिंग बॉडी रिड्यूसिंग मतलब फाइनल लॉस्टी कम होगी और इनिशियल लॉस्टी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी तो जो आंसर होगा एक्सेलरेशन का वो किस में आ जाएगा निगेटिव में आ जाएगा और जब भी निगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो याद रखिएगा निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कॉल्ड रिटार्डेशन तो इसको हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं और इसको रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर फोर है अब बॉडी स्टार्टिंग एट अ पॉइंट से ए अब जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है ये एक पॉइंट है ए अब यहाँ से बॉडी जा रही है स्ट्रेट लाइन में देखिए कहा गया स्ट्रेट लाइन में जा रही है कहाँ जा रही है बी तक पहुँच रही है ठीक है एंड देन रिटर्न बैक टू ए तो बॉडी पहले ए से बी गई और फिर बी से ए वापस आ गई तो इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी क्या एक तरीके से देखा है तो ए ही है तो आप क्या कहेंगे जब भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो डिस्प्लेसमेंट विल बी द करेक्ट आंसर तो क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्वेश्चन फाइव देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया कार एक्सेलरेट्स एक कार है एक्सेलरेट कर रही है 18 किलोमीटर पर आर से 36 किलोमीटर पर आर तक मतलब ये उसकी इनिशियल लॉस्टी है यू और 36 उसकी फाइनल लॉस्टी है वी टाइम दिया गया फाइव मिनट्स तो देखिए टाइम को आप पहले क्या कर दीजिए सेकेंड में चेंज कर दीजिए तो फाइव इंटू कितना हो जाएगा थ्री हंड्रेड हो जाएगा थ्री हंड्रेड हमारे पास हो गया टाइम ठीक और अगर आप स्पीड देखेंगे तो स्पीड क्या है थर्टी एटीन से थर्टी सिक्स है आप फार्मूला लगा लीजिए ए इज़ इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी ठीक है वी माइनस यू अपॉन टी का फार्मूला लगाइए फिर आप क्या करेंगे देखिए अब v- माइनस यू अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा थर्टी सिक्स माइनस एटीन अपॉन टाइम अगर आप देखेंगे तो टाइम आपके पास है थ्री हंड्रेड सेकेंड ठीक है थ्री हंड्रेड सेकेंड आपके पास टाइम है लेकिन अगर आप थ्री हंड्रेड सेकेंड रखेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा कैसे चेक करके देख लेते हैं ये हो जाएगा एटीन किलोमीटर पर आर ठीक है अपऑन क्या हो जाएगा थ्री हंड्रेड ठीक है सेकेंड में है ये तो आप क्या करिए आप सिंपल काम ये करिए देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में तो आपको आंसर नहीं मिल सकता ऐसे ठीक ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे किलोमीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मतलब हम लोग यहाँ पे जो आर है उसको किस में चेंज कर दें सेकेंड में चेंज कर दें ये चीज़ करी जा सकती है या एक काम ये करें कि जो टाइम यहाँ पर थ्री था इसको हम लोग आर में चेंज कर देते हैं देखिए यहाँ पर जो फाइव मिनट्स था इसको क्या कर दें टाइम कर दें फाइव अपॉन सिक्सटी सेकेंड में हम लोग चेंज कर देंगे वन आवर में कितने मिनट होते हैं सिक्सटी तो, एक इतना तो ये तो velocity, v, कितना आ जाएगा वन अपॉन ट्वेल्व आ जाएगा तो वन अपॉन ट्वेल्व आवर्स हो गया ये ठीक है अब चेंज इन विलासिटी अगर आप देखें तो चेंज इन विलासिटी डेल्टा वी चेंज इन विलासिटी कितना आ जाएगा थर्टी सिक्स माइनस एटीन ये तो आएगा किलोमीटर पर आवर में इसको आप चेंज कर दीजिए फाइव बाई किलोमीटर पर आवर में है तो इसको किलोमीटर पर आवर में ही रहने दिए क्योंकि आपने इसको आर में चेंज कर लिया है ठीक है तो ये आ गया आपका 18 ठीक है तो एटीन किलोमीटर पर आर अब डेल्टा वी बाई टी जब आप करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा एटीन अपॉन यहाँ पे आप फिर से कर दीजिए वन अपॉन ट्वेल्व अब ट्वेल्व जो होगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जब ट्वेल्व ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा एटीन इंटू ट्वेल्व बना देगा ठीक है अब एटीन इंटू ट्वेल्व जब आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा टू वन सिक्स आ जाएगा अब देखिए यहाँ पे भी आर था और ये जो आपका था किलोमीटर पर आर में था इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा टू वन सिक्स किलोमीटर पर आर स्क्वायर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन समझना है आपको इसका आंसर क्या होगा डी ऑप्शन होगा दैट इज़ किलोमीटर टू वन सिक्स किलोमीटर पर आर स्क्वायर मतलब विलोस्टी को आप क्या रहने दीजिए किलोमीटर पर आर में ही रहने दीजिए टाइम को आप क्या कर दीजिए आर में कन्वर्ट कर दीजिए और फॉर्मुला लगा दीजिए सिंपल है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स है इसमें कहा गया एरिया अंडर ग्राफ ए का मतलब होता है एक्सेलेशन टी का मतलब होता है टाइम तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम जो होता है वो क्या देता है चेंज इन वेलोसिटी देता है चेंज इन वेलोसिटी देगा अब देखिए यहाँ पे पूछा ये नहीं गया है कि क्या देगा ये पूछा है जो देगा उसकी यूनिट क्या होगी अब वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाना चाहिए मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप पूछा गया है स्लोप का मतलब क्या होता है स्लोप का मतलब होता है रेशियो एक तरीके से ठीक है रेशियो होता है तो विलॉसिटी अपॉन टाइम अगर आप करेंगे या चेंज इन विलॉसिटी अपॉन टाइम करेंगे तो ये क्या देगा आपको एक्सेलरेशन देगा ठीक है तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी है ठीक है स्पीड टाइम ग्राफ का भी स्लोप एक्सेलरेशन ही होता है लेकिन मान लीजिए आपसे पूछा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर स्लोप पूछते तो ये होता विलासिटी ठीक है और अगर आपसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप पूछते डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर स्लोप पूछा पूछाता तो ये क्या होता है यह होता स्पीड तो ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर कैन बी देखिए कोई सर्कुलर पाथ है ठीक है रेडियस इसका दिया गया है आर इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है जैसे बॉडी ए से स्टार्ट हुई और मान लिया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो ये पॉइंट बी पे जब पहुंचेगी तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा तो ए से बी की डिस्टेंस कितनी है शॉर्टेज डिस्टेंस अगर देखी जाए तो ये टू आर ही तो होगी तो टू आर जो है दैट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता एक सर्कुलर पाथ में तो इसका आंसर है टू आर ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट नाइन देखिए इसमें कहा गया एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी हुज वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ पैरेलल टू टाइम एक्सिस अब देखिए जैसे मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो आपको पता है वेलोसिटी वाई एक्सिस पे रहेगी टाइम आपका एक्स एक्सिस पे रहेगा अब ग्राफ क्या दिया गया पैरेलल टू टाइम एक्सिस मतलब स्ट्रेट लाइन दी गई है अब स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब हर पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी क्या रहेगी सेम रहेगी तो यू जो है वो वी के बराबर है इनिशियल लॉस्टी और फाइनल लॉस्टी क्या हो जाएगी बराबर तो अगर यू और वी बराबर है तो एक्सेलेशन का फॉर्मला लगाइए वी माइनस यू अपॉन टी वी और यू को आप इक्वेट कर देंगे आंसर क्या आ जाएगा जीरो तो एक्सेशन बॉडी का क्या है जीरो है तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा तो सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन है इसमें कहा गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन बिल्कुल सही बात है कोई भी सर्कुलर मोशन होगा चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो वो हमेशा एक्सेलरेटेड ही होता है कभी भी वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के केस में बॉडी का स्ट्रेट लाइन में चलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया इसमें कहा गया डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एट एवरी पॉइंट अब सर्कुलर मोशन में अगर आप देखें तो हर पॉइंट पे जो मोशन की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है चेंज होती रहती है बिल्कुल ठीक है इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो मोशन है जो जो सर्कुलर मोशन होगा वो हमेशा क्या होगा एक्सेलरेटेड होगा ठीक है क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो विलॉसिटी चेंज हो जाएगी और विलॉसिटी चेंज हो जाएगी और आपको पता है विलासिटी सेम होनी चाहिए यूनिफॉर्म मोशन के केस में ठीक है इसीलिए ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो यहाँ पे एसर्शन तो सही है रीजन भी सही है लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एसर्शन का तो इसमें ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक लगाएंगे कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिए ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या कहा गया अब पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर फाइव मीटर देखिए एक सर्कल दिया गया और इस सर्कल का डायमीटर दे दिया गया कितना फाइव मीटर ठीक है डायमीटर फाइव मीटर है याद रखिएगा व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट वेन इट कवर्स वन एंड हाफ रोटेशन अब वन एंड हाफ रोटेशन का मतलब क्या है जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ कोई पर्सन तो एक रोटेशन कहाँ पे आके रुकेगा इसी पॉइंट पे आके रुकेगा ए पे हाफ और करना है इसका मतलब इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पे रुकेगा तो इसको मान लीजिए बी है ठीक है अब आपको बताना है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ठीक है डिस्प्लेसमेंट डायमीटर दिया है तो डायमीटर ही तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो फाइव मीटर विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है तो इसमें कई बच्चे टेन आंसर सोचेंगे इसका आंसर टेन है जब आपको यह समझना है कि डायमीटर दिया है दिस इज नॉट रेडियस ठीक है तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए होगा दैट इज़ फाइव मीटर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ देखते हैं ट्वेल्थ में देखिए क्या कहा गया व्हाट इज द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ कोई भी स्ट्रेट पाथ है अगर मान लीजिए ठीक है तो यहाँ पे आपको पता है एवरेज स्पीड जो होगी ठीक है एवरेज स्पीड जो होगी वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी ठीक है ये आपको सुनना क्यों बराबर होगी क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी बराबर होगी इस वजह से आप क्या कहेंगे कि जो दोनों का रेशियो होगा ठीक है जैसे मान लीजिए ये वन है वन है या टू है टू है तो रेशियो भी क्या हो जाएगा वन इज टू वन का रेशियो हो जाएगा तो वन एज टू वन इज द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखते हैं थर्टीन में देखिए क्या कहा गया अ ट्रेन इज एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज द वेलोसिटी ऑफ थर्टी मीटर पर सेकेंड हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन थर्टी सेकेंड्स अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात नहीं करी गई है सिर्फ ये बताया गया कि इस वेलोसिटी से चल रही है और थर्टी सेकेंड बताना है कितनी डिस्टेंस कवर करेगी तो आपको ये मान के चलना है कि जो ट्रेन है इट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं भी दिया गया फिर भी आपको समझना है कि ये कैसी विलासिटी है कॉन्स्टेंट विलासिटी है और टाइम दिया गया थर्टी आपको डिस्टेंस बताना है डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड या विलासिटी इं टाइम सिंपल सा आपने फॉमूला लगाया विलासिटी इन टाइम का स्पीड क्या थी स्पीड थी थर्टी टाइम कितना था टाइम भी थर्टी सेकेंड्स था थर्टीन टू थर्टी कितना हो जाएगा नाइन हंड्रेड मीटर हो जाएगा तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिए फोटीन में क्या कहा गया ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रही है इसका मतलब इनिशियल लॉस्टिस की क्या है जीरो है पहली बात तो समझिए एक्सेलरेशन कितना दिया गया फ़ाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसका मतलब एक्सेलरेशन आप समझ लीजिए तो यू कितना हो गया यू हो गया ज़ीरो ठीक है एक्सेलरेशन कितना हो गया फाइफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो गया ठीक है फाइंड इट्स विलासिटी वैन इट हैज्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ वन किलोमीटर मतलब एस की वैल्यू दे दी गई है कितनी है वन थाउजेंड मीटर है ठीक है आपको बताना क्या है आपको बताना है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी के लिए अब आप समझिए आपको टाइम के बारे में कुछ नहीं दिया है जब भी टाइम के बारे में ना दिया हो ना पूछा हो तो आप सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन कभी मत लगाइएगा आप सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन कभी ना लगाइएगा आप कौन सी इक्वेशन लगाएंगे थर्ड इक्वेशन लगाएंगे और थर्ड इक्वेशन क्या कहती है कहती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस अब यू क्या था जीरो था तो टर्म ज़ीरो हो गया क्या बचा टू इन टू कितना है फाइव एस एस कितना है वन थाउजेंड ठीक है तो वन थाउजेंड यहाँ आपने लिख दिया अब देखिए टू इंटू फाइव टेन हो जाएगा और टेन इंटू वन थाउजेंड टेन थाउजेंड हो जाएगा इसका मतलब वी स्क्वायर की वैल्यू याद रखिए वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई टेन के बाद तीन और जीरो बढ़ गए तो अगर आप अंडर रूट करेंगे दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे तो विलासिटी क्या मिल जाएगी विलासिटी मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ टेन थाउजेंड और अंडर रूट ऑफ टेन थाउजेंड क्या होता है हंड्रेड मीटर पर सेकेंड हो जाएगा तो इसकी विलासिटी वन थाउजेंड किलोमीटर के बाद क्या हो जाएगी हंड्रेड मीटर पर सेकेंड हो जाएगी तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फोटीन अच्छा क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन था ये हमारा आज का आखिरी सवाल है इसमें कहा गया स्टेट द नेचर ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी तो देखिए विलासिटी दी गई टाइम दी गई टाइम जब टू सेकेंड्स था तो विलॉसिटी जीरो थी टाइम फोर हुआ विलासिटी फाइव हो गई तो कितने का डिफरेंस हुआ यहाँ पे डिफरेंस थ्री फाइव का है ठीक है यहाँ डिफरेंस फ़ाइव का है यहाँ पे डिफरेंस टू का है यहाँ पे आप देखिए डिफरेंस कितने का है थ्री का है यहाँ पे डिफरेंस कितने का है टू का है यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए कितने का है फ़ोर का है यहाँ डिफरेंस टू का है तो यहाँ पे तो डिफरेंस बराबर के चल रहे हैं ठीक है टाइम में जो डिफरेंस है वो तो बराबर का चल रहा है तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा लेकिन विलासिटी में अगर देखेंगे विलासिटी में जो डिफरेंस है वो बराबर का नहीं चल रहा है ऐसे यहाँ पर फाइव हो गया फिर से ठीक है यहाँ पर फिर से फ़ाइव हो गया यहाँ पे अगर देखें फिर से फाइव हो गया यहाँ पे अगर देखें फिर से फाइव हो गया तो शुरुआत में तो ये सेम विलासटी से नहीं चल रहा था बाद में मेंसटिक सेम हो गई इसका मतलब पूरे अगर मोशन में देखा जाए तो विलासिटी कॉन्स्टेंट नहीं है विलासटी लगातार क्या हो रही है चेंज हो रही है टाइम के साथ इसका मतलब एक ऐसा मोशन हो जाएगा इक्वल डिस्टेंस इज़ नॉट कवर्ड इन इक्वल इंटल ऑफ टाइम या ये कह सकते हैं कि इक्वल विलासटी नहीं है पूरे टाइम पीरियड में ठीक है विलासिटी क्या हो रही लगातार चेंज होती जा रही है तो एक कैसा मोशन है तो ये मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर यूनिफॉर्म होता तब क्या होता हर जगह पर विलासिटी क्या रहती सेम रहती ठीक है जैसे यहाँ पे भी फाइव रहती पूरे में विलासटी जो होती वो क्या रहती सेम रहती अगर विलासिटी सेम रहती तो हम लोग क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं कि वो मोशन कैसा होता यूनिफॉर्म होता लेकिन आप देख सकते हैं विलासिटी हर जगह चेंज हो रही है इस वजह से मोशन कैसा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और अगर मान लीजिए इसमें आपको ग्राफ बनाने को कहा जाए तो आप ग्राफ आसानी से बना सकते हैं कैसे बनाएंगे विलासटी इधर ले लीजिए टाइम इधर ले लीजिए प्लॉट कर लीजिए आप ग्राफ को तो यहाँ पे आप कुछ ऐसे करके आप जीरो टू फोर सिक्स एट आप कर लीजिए इधर कर लीजिएगा इधर फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ऐसे करके ले लीजिएगा फिर आप पॉइंट्स को प्लॉट कर दीजिएगा पॉइंट्स आपको जहाँ मिले आप वैसा ग्राफ बना दीजिएगा ठीक है तो इस तरीके से आपका ग्राफ भी बन जाएगा और आपको देख के पता चल जाएगा कि ये मोशन कैसा है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही होगी ठीक है तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे 15 क्वेश्चंस 15 मिनट में हम लोग ने कवर कर दिए तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे बाकी के एमसीक्यू सेशन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब uh, कर लीजिए और बाकी प्ले हमने हर चीज़ की बनाई हुई है उसको आप लोग जरूर देख लीजिए बहुत अच्छी प्ले है हर एक चैप्टर के क्वेश्चन उसमें हम लोग ने डाल दिए हैं ठीक है बहुत ज़्यादा आपको हेल्प इससे मिलने वाली है ठीक है तो आज के लिए इतना ही फिलहाल हमारे पास है थैंक यू वेरी मच गुड बाय जय हिंद